अस्सलाम वालेकुम, अहमद फ़ोटोग्राफी चैनल में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज है मेरे पास सोनी का A6000, ठीक है। मैं इसका वीडियो क्वालिटी टेस्ट करूँगा। देखें, सोनी जो फेमस है वो मोस्टली वीडियो की वजह से फेमस है, तो वीडियो की जो कलर ग्रेडिंग है वो तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। जस्ट मैं इसका फोकस टेस्ट करूँगा, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन में इसका मैं फोकस टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसका फोकस कितना फास्ट है या स्लो है, ठीक है। बाकी जो वीडियो क्वालिटी जो भी होगी उसको मैंने ज़रा सा भी रिटच नहीं करना, ठीक है। जस्ट मेरा अभी का जो काम है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसका फोकस के हवाले से कि इसका फोकस कितना फास्ट है या नहीं, ठीक है। अभी जो मैं इसके साथ लेंस यूज़ करूँ, इसका बेसिक किट लेंस ही है, ठीक है। इसके किट लेंस के साथ ही मैं आपको इसका फोकस टेस्ट करके बताऊँगा। सबसे पहले हम नॉर्मल जो फ्रेमिंग होती है उस तरह से फोकस टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे थोड़ा बहुत मूविंग मूव कर लेंगे, फिर इस तरह डिफरेंट कंडीशंस हम ट्राई करेंगे, उसका फोकस हम टेस्ट करेंगे। चलें आज चलते हैं। हमने शूट कर लिया है, ठीक है। जितनी भी फुटेज वगैरह थी मैंने आपको दिखा दी हैं, ठीक है। जितनी भी फुटेज थी वो सारी नेचुरल थी, विदाउट एडिट थी। जो कैमरे के अंदर से बाहर निकल के फुटेजेज आई हैं सेम मैंने आपको वही दिखाई हैं। मैंने कोई स्लो मोशन, कोई कलर ग्रेडिंग, कुछ छेड़खानी नहीं की वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आप ये कैमरा वीडियो के लिए बाय करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो फोकस आपने चेक कर लिया होगा खुद ही कि इसका ऑटो फोकस कितना फास्ट है या स्लो है, ठीक है। अगर आप ये कैमरा वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। और सोनी का आपको बेहतर पता है कि सोनी की इमेज हो या वीडियो हो, जब तक आप उसको पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तब तक वो इमेज या वीडियो किसी काम की नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं थोड़ी बहुत पोस्ट प्रोसेसिंग करके अपलोड करूँ, जैसे एक मिनट का कोई सिनेमेटिक शॉट या कुछ भी, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।